हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित एक यथार्थ परक नाटक है। इस नाटक में सरहुआ गांव का जिक्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। दोस्तों, उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान है और ना ही समस्या प्रधान है, बल्कि यह आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। इसके मुख्य पात्र विशेषर उर्फ बिस्सू, जो कि हरिजनों का हमदर्द है, को हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। इस नाटक में राजनीति स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र कैसे रचा जाता है, इसमें भली भांति दर्शाया गया है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है इस नाम से। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं, बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मन्नु भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया है, अपितु ऐसी चीजों को भी उजागर किया है जो कि सहज नहीं है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम मन्नु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्तां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। 1979 में मन्नू भंडारी द्वारा रचित पहला राजनीतिक उपन्यास उस समय का उपन्यास है, जिस समय स्त्रियों के लिए जो घर की धुरी होती है उसे लांघना भी बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। और फिर ऐसे समय में महाभोज जैसा उपन्यास एक महिला द्वारा लिखना किसी क्रांति से कम नहीं था। इस उपन्यास की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है इसके मुख्य पात्र विशेषर उर्फ बिस्सू की हत्या से। विशेषर उर्फ बिस्सू सरहुआ गांव का एक दलित युवा था। शोषित, पीड़ित, दमित एवं वंचितों को न्याय दिलाना ही उसके जीवन का ध्येय था। उसकी प्रसिद्धि इसलिए भी थी क्योंकि उसने हरिजन बस्ती में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला देने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया था, और इसके लिए उसने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ संकल्पी विशेषर को भ्रष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली का शिकार होना पड़ता है और उसकी इसी वजह से हत्या कर दी जाती है। और विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, वरन उस लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने की आदर्श बातें तो आती रहती हैं, लेकिन किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए शिक्षा और समानता दोनों का होना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा उसमें ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा समाज आज भी काफ़ी हद तक अशिक्षित है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाने में सक्षम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अक्षम रहता है। शिक्षा प्रदत्त ज्ञान ही हमारे भीतर समानता और असमानता आदि व्यवहार को निर्मित करता है। महाभोज का जो बिस्सू होता है वो तो एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन जब वह शहर से गांव आता है तब सभी दलित भाइयों को शिक्षित करने का उसने एक जिम्मा उठा लिया था। वह एक स्कूल भी खोलता है, साथ ही वह लोगों को घर घर जाकर भी पढ़ाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर के इस सिद्धांत को वह अपने जीवन में आत्मसात करते हुए दलितों के उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जो गांव की शोषक शक्तियां हैं उनके आगे विशेषर का शिक्षित होना एक अभिशाप बन जाता है, और साथ ही साथ फिर वह एक दलित युवक था और दलित युवक का शिक्षित होना तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। अपने इस उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी ने ऐसी कुत्सित एवं कठिन राजनीति को उजागर किया है जिसमें चारों तरफ सत्ता को हथियाने की होड़ मची हुई है।
चुनावी प्रक्रिया के दौरान वर्षों से बैठे भूखे नेता गरीबों को झूठे आश्वासन देते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे कर उन्हीं के कंधों पर अपनी राजनीतिक बंदूकें चलाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते ये भ्रष्ट नेता गरीबों एवं निचली जातियों को ही वोट बैंक के रूप में चुनते हैं। उनका यही धोखेबाजी प्रवृत्ति गरीबों को और अधिक गरीब बनाती है। आज भी समाज में यही होता है, जब भी चुनाव होते हैं गरीबों को ही वोट बैंक के रूप में अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। और हर नेता चुनावों के दिनों में हर गरीब से गरीब दलित युवक के घर जाते हैं, दलितों के घर जाते हैं और वोट मांगते हैं। और बाद में होता क्या है, बाद में कोई नहीं सोचता इन गरीबों के विषय में। तभी तो आज भी गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। सुकल बाबू जालसाजी प्रवृत्ति के मालिक हैं इस उपन्यास में, जो कि पिछले चुनावों में हारने के बाद राजनीति से संन्यास लेने का वादा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन के बचे हुए दिन मैं जनता की सेवा में बिताऊंगा, ऐसा वो ऐलान भी कर देते हैं। लेकिन पहला अवसर मिलते ही, जैसे उन्हें मौका मिलता है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो वे उसे लपक लेते हैं और फिर कहते हैं कि बिना पद के मैं जनता की सेवा कैसे करूंगा। उपन्यास में अभिव्यक्त वोट की इस राजनीति में दलितों के साथ जो अमानवीय अत्याचार होते हैं, वे इस बात को पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि शक्तिशाली हमेशा अपने से दुर्बल पर काबिज होकर अपनी श्रेष्ठता के प्रतिमान गढ़ता आया है और जो कमजोर है अपनी इसी दुर्बलता के कारण भय के माहौल में जीता रहता है और इसी प्रकार सिसक सिसक कर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। चुनाव के समय बिस्सू की हत्या से मिले मौके को दोनों नेता, कौन से दोनों नेता इस उपन्यास में जो है, सुकुल बाबू और दास साहब, बिल्कुल ही अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बिस्सू की मौत भी उनके लिए किसी सफलता की सीढ़ी से कम नहीं है। दोनों नेता बिस्सू की हत्या के मामले पर अपनी हमदर्दी जताते हैं और समस्त दलित वोट बैंक को अपनी झोली में उतारने के लिए प्रयास करते हैं और अपनी झोली में उतारने के लिए उतारू हो जाते हैं। बिंदा, जो कि बिस्सू का मित्र है, वो जानता है कि ये जो नेता है ये कैसे ढोंगी प्रवृत्ति के नेता है और भोली भाली जनता को किस तरह से लुभा रहे हैं। और वह जब उनका भाषण हो रहा है तो भाषण के बीच में ही उठकर चीख चीख कर बोलता है, कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए ये सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब तापते ही रह जाएंगे। यह बिस्सू की नहीं, समझ लीजिए कि एक तरह से मेरी हत्या हुई है। बिस्सू का प्रतिरोधी स्वर बाद में बिंदा में साफ दिखलाई पड़ता है। पुलिस प्रशासक सक्सेना जब बिंदा से बिस्सू की मौत का प्रमाण मांगता है और उसे पुलिस की मदद करने के लिए कहता है, तब बिंदा बड़े ही विरोधी स्वर में सक्सेना को जवाब देता है, कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस, कभी कुछ नहीं करेगी, करना होता तो पहले ही नहीं करती। कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीबों को पकड़ने के लिए। राजनीति करने वाले नेताओं और साधुजनों की कमी नहीं है। गली कूंचों से लेकर मंदिरों तथा बड़े बड़े भव्य समारोह में आसानी से ऐसे सिद्धहस्त नेताओं के दर्शन होना आम बात है। धर्म के इस विशाल बाजार में हर रोज अमानवीयता के तराजू पर मानवीयता को तोला जाता है। महाभोज के दास अब इसी धर्म का मुखौटा पहनकर अपनी घिनौनी राजनीति को अंजाम देते हैं। वे न सिर्फ लोगों में गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ के उपदेश देते हैं, बल्कि सभी के घरों में गीता की एक एक प्रति भी बंटवाते हैं। ये लोगों का चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा लोग, जो नेता है ये हर हथकंडा अपनाते हैं। उनका इस कदर गीता प्रेमी होना दिखावा देखिए, धार्मिक राजनीति को ही मुख्य रूप से प्रचारित और प्रसारित करना होता है। एक तरफ दास साहब गीता के माध्यम से धार्मिक आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बिस्सू के मित्र बिंदा की गिरफ्तारी का जो षड्यंत्र रचते हैं उससे हमें उनका पाखंडी व्यक्तित्व देखने को मिलता है। दास साहब की धर्म की इस राजनीति को लेखिका ने स्पष्ट रूप से उजागर करते हुए लिखा है कि मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं,
इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। दोस्तों, आज राजनीति को धर्म नीति से जोड़ने वाले नेताओं की तादाद बहुत अधिक बढ़ गई है। आए दिन समाचारों में सांप्रदायिक दंगे, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं विषय बनी हुई हैं, जिसका महाभोज के बिंदा और सक्सेना की भांति घातक परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्ट नेताओं द्वारा फैलाई गई भ्रष्ट राजनीति के विषय में रजनी गुप्त लिखती हैं कि नेताओं की खोखली नारेबाजी, कुत्सित इरादे और दम घोटू साजिशों की अंतहीन सच्चाइयों को पूरी बेबाकी से चीरते हुए महाभोज की प्रासंगिकता आज भी बहुत जरूरी हस्तक्षेप है, जो कि चमकते चिकने चेहरों को समझने के लिए सार्थक बयान करते हुए आम जन की विवशता और उसकी असहाय स्थितियों का जीवंत दस्तावेज बन गया है। महाभोज के दलित और अभावग्रस्त लोग आज भी आतंक के साए में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि गरीबों का उद्धार करने वाला कोई नेता आज तक देश में नहीं आया। वे मनुष्य नहीं है, केवल नेताओं के वोटर हैं। उचित मजदूरी का सवाल तो अलग है। यदि वे बाहुबलियों के कहने से वोट नहीं देते तो उन्हें इस तरह से प्रताड़ित ही नहीं किया जाता, बल्कि उनके घरों को भी जला दिया जाता है। इस तरह की गंदी राजनीति दोस्तों आज भी होती है। इतना आतंक है कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। पुलिस भी पीड़ितों का ही उत्पीड़न करती है। अंत में दोस्तों, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने विशेष को ना लेकर व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। महाभोज में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को दर्शाया है, ना सिर्फ एक रूप को दर्शाया बल्कि अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया है जो आज भी सहज नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने जाना मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास में राजनीति में पिसते दलित लोगों की दास्तान को। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आने वाले अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपने मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जिज्ञासा या कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। मैं शीघ्र उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।